नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करेंगे अल्फाबेटिकल लेटर एस का। एक एक्यूट दवाई, एक छोटी सी दवाई लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जिनको कान का प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए जिनको मेनियरिस डिजीज है। इस डिजीज का नाम लेकर बार बार भटकाया जाता है उनको, तरह तरह की सर्जरी का सलाह दिया जाता है लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा जो मेनियरिस डिजीज है, टिनिटस का प्रॉब्लम है, डिस्पेप्सिया का प्रॉब्लम है, तो कैसे उसको परमानेंटली हम क्योर कर सकते हैं इस आज की दवाई सैलिसिलिक एसिड के मदद से। तो आज का जो ये दवाई है सैलिसिलिक एसिड, आप अच्छी तरह से सुनिए, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप्स मैं दूंगा, उसके जो इंपॉर्टेंट कीनोट फीचर्स है उसके बारे में बताऊंगा और उसके पोटेंशियल के बारे में भी बताऊंगा वीडियो के अंत में, तो पूरा देखिए वीडियो को, सबके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जब हम क्लिनिकली बात करते हैं, हर एक दवाई का कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल डिजीज होता है। बहुत ज्यादा हम किस चीजों पर इसका अप्लाई करते हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर हम अप्लाई करते हैं अपने क्लिनिक में। हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं ज्यादातर कान के प्रॉब्लम के लिए, मेनियरिस डिजीज और टिनिटस, डीफनेस, सुनाई ना देना, जो मेनियरिस डिजीज में वर्टिगो सेंसेशन आता है, घुमरी, सर चक्कर आना आता है, उसके साथ कानों को सुनाई नहीं देता, और टिनिटस के प्रॉब्लम में जहां पर कान में आवाज आती रहती है, घंटी बजने जैसी आवाज, गर्जना करने जैसी आवाज, ये कंटिन्यूसली होती रहती है, तो इस तरह के प्रॉब्लम के लिए सैलिसिलिक एसिड बहुत बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट, इसका जो हाईली इम्पैक्ट एरिया है वो है हमारा जीआई सिस्टम। शुरुआत करते हैं, हमारे जो लिप्स, इनर लिप्स में जो छोटे छोटे व्हाइट कलर के जो अल्सर्स होते हैं, घाव हो जाते हैं, कुछ खा नहीं पाते, जलन होता है, तो उस तरह के कैंकर सोर बोलते हैं उसको, तो उस तरह के प्रॉब्लम के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। और भी बहुत सारे दवाएं हैं, बोरैक्स है, फिर उसके बाद मैक्सोल है, स्टाफिसाग्रिया भी दिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट दवाई। और जलन अगर जहाँ ज़्यादा होती है तो वहाँ पर आर्सेनिकम एल्बम फॉस्फोरस भी अप्लाई होता है, लेकिन सैलिसिलिक एसिड एक एक्यूट दवाई है और स्पेसिफिक रूप से उसके ऊपर काम करती है कैंकर सोर्स, जो हाँ इनर लिप्स में छोटे छोटे अल्सर्स हो जाते हैं व्हाइट कलर के। नेक्स्ट, जब जीआई सिस्टम के नीचे हम चलते हैं तो वो फ्लैटुलेंसी ज़्यादा पैदा करता है, गैस पैदा करता है, पेट फूला हुआ रहता है, प्रॉपर तरीके से खाना हजम नहीं होता और खट्टी डकारें आती है। जैसी खट्टी डकारें आपको दूसरे दवाई में भी है, आइरिस वर्सिकलर है, पल्सेटिला है, कैप्सिकम है, तो इन जैसी दवाइयों के साथ साथ अगर एक्यूट कंडीशन में हम उसको अप्लाई करें सैलिसिलिक एसिड को, तो बहुत ही ज़्यादा मदद करती है ये दवाई, एक्यूट दवाई है। उसके बाद इसका जो हाई इम्पैक्ट है वो है जो खाना प्रॉपर तरीके से हजम नहीं होता, एक तरह का सड़ा हुआ दुर्गंध युक्त वो टकार आना, ये उसका खासियत पॉइंट है, आप इसको ज़रूर याद रखना। इसको फर्मेंटेटिव डिस्पेप्सिया बोलते हैं, फर्मेंटेटिव मतलब प्रॉपर तरीके से हजम नहीं हुआ, फर्मेंटेशन हो गया, उसका बैक्टीरियल ग्रोथ हो गया और वो जो पचा हुआ सड़ा हुआ जो उसका डकार आता है तो वो फर्मेंटेटिव डिस्पेप्सिया बोलते हैं, उसके लिए बहुत ही बढ़िया काम देता है। और ये जो पर्टिकुलर सिम्टम है कुछ कुछ कार्बोवेज में भी आपको मिलेगा, तो आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं, इसको एक्यूट दवाई के हिसाब से सैलिसिलिक एसिड भी आप उसको दे सकते हैं। रही बात पोटेंसी की, ये तो डिजीज के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, पोटेंसी की बात करें तो क्योंकि एक एक्यूट दवाई है इसको हम लोअर पोटेंसी में यूज़ करें, मदर टीचर इसका इस्तेमाल नहीं होता, लोअर पोटेंसी 6, 12 या 30 को आप अप्लाई कर सकते हैं, दिन में 3 से 4 बार 5 बार तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 3-4 बूंद डायरेक्टली जीभ पे आप डालिए और तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा। जो टिनिटस का मामला है, मेनियरिस डिजीज में आपको 30 फिर उसके बाद 200 फिर 1 mm तक इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि 30 को दिन में 2 से 3 बार करके आपको 10-15 दिन ले लिया, फिर उसके बाद 200 का दिन में 2 बार 2 से 3 दिन ले लिया, फिर 10-15 दिन 20 दिन वेट करने के बाद उसका 1 mm का 1 या 2 डोज दे सकते हैं आप। तो ये उसका पर्टिकुलर सीक्वेंस है पोटेंसी का, डिजीज के हिसाब से उसका बदलता है। गैस्ट्रिक, जीआई सिस्टम, अल्सर्स, ये सब धीरे धीरे करके क्योर होता है, तो उसके भी उसके हिसाब से पोटेंसी को भी एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे ही आपको इम्प्रूवमेंट लगे, पोटेंसी का जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है उसको कम कर देना आप। तो ये था आज का एक्यूट दवाई सैलिसिलिक एसिड,
आप जरूर अपने दोस्तों के शेयर करिए जिनको भी इस तरह का प्रॉब्लम है। और मुझे पता है टिनिटस मेलिटस डिजीज में बहुत सारे लोग परेशान है और चक्कर काटते हैं सर्जरी डिपार्टमेंट के, ईएनटी डिपार्टमेंट के, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं होता। लेकिन सैलिसिलिक एसिड बहुत ही बढ़िया मदद करेगी उनको जिनको ये तमाम प्रॉब्लम है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जो भी मेरे नए दोस्त जुड़ रहे हैं, जाते वक्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो लाल बटन है सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो बेल आइकन है उस पर भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि इसका वीडियो अपलोड हुआ है। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं चैनल को तो और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अगेन। नमस्कार।